महादेव, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज फिर से एक विवाह में पहुंचे हम, और आज है मेरे दो अनमोल रतन जो शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए आगे, क्या नाम है आपका? रितिका जो है दूल्हे की भतीजी है। और आपका नाम? नाम क्या है? नाम बताओ। नाम इसको बताओ ना। नेहा। किस लड़की है तुम? किस लड़की है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? किस लड़की है? अच्छा, कठवाल वाले। ओके, बोलो महादेव, बोलो बोलो महादेव, 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 महादेव। स्टार्ट कर, लग स्टार्ट कर। मैं लज भेज में गए मुण के सामने। जो है मामा और मामी जो हैं आ चुके हैं छक लेके, ये जाएंगे पनिहारी की ओर। तो देखिए प्रस्थान। ये मामा मामी जैसे ही छक लेके आते हैं, अपने साथ अपने लोगों, अपने गांव के लोगों को और सगे संबंधियों को लेकर आते हैं, और वहां पर आकर उसके बाद जो है तैयार होते हैं। उनको पनिहारी में भेजा जाता है जहाँ पर पानी होता है, और पानी भर कर वहाँ पर जो हमारा जलाशय होता है वहाँ पर पूजन होता है, टीका और जो भी सामग्री वहाँ चढ़ाई जाती है। उसके बाद वापस आते हैं और वहाँ से जल लेकर उस जल से जो है स्नान कराया जाता है दूल्हे राजा को। तो देखिए आप सारा संपूर्ण जो आपको पनिहारी की तरफ जाने वाला ये वीडियो है। सभी सगे संबंधी जाएंगे बैंड बाजे के साथ और खूब नाचेंगे। हमारी लोक संस्कृति परम्पराएँ जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब महादेव। तो सभी जैसे शादी में आए होते हैं वहाँ से छक, अर्थात अपने सभी सगे संबंधियों को अपने साथ लाना, एकत्रित होकर लाना, उसे छक कहा जाता है। ये हमारे चुराई शब्द है। शब्दों पर आप मेरे हर एक ब्लॉग को देखेंगे तो बड़े सारे शब्द आप समझ भी जाएंगे। तो आज ये शादी जो है समाधि में है, समाधि में जो है ठाकुर दास की शादी है। मामा भक्त जी के ये सपुत्र हैं, बहुत ही मेहनती लड़का जो कि JCB ऑपरेटर है, बड़ी बड़ी मशीनें चलाता है, उसकी शादी है। बहुत ही इंजॉय की हमने ये शादी, पूरा व्लॉग आपको दिखाएंगे। ये दूसरा पार्ट हम इसमें डाल रहे हैं, अभी तक 5-6 पार्ट और डालेंगे तभी पूरी वीडियो होगी। तो संपूर्ण वीडियो देखें तो हमारी संस्कृति की और बढ़ावा दें। महादेव, मेरा मात्र एक ही लक्ष्य है कि हमारे परंपराएं, हमारे रीति रिवाज देश विदेश तक पहुंचे। आप सब मेरा साथ दें
तो मेरा चैनल जो है आगे बढ़ सकता है और आप सब तक ये सब परंपराएं पहुंच सकती हैं। मामा Thank you.